हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्पडेस्क 2.0 में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के चार्जेस कमीशन के बारे में बताया। उससे पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और जो वीडियो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से यहाँ पे बहुत जल्द जो है इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जितने लोग वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये चैनल आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के हेल्प के लिए है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को हमेशा इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक के चार्जेस और कमीशन के बारे में। दरअसल क्या है कि मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो बहुत मतलब कि वो मेरे ट्रेंडिंग में ही चल रहा है, आप लोग उस पर बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। मतलब कि वो वीडियो मैंने बताया था कि रिटेल आईडी में क्या है मनी ट्रांसफ़र का यहाँ पे चार्जेस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सारे चार्जेस और कमीशन के बारे में यहाँ पे बताया जाए। जी हाँ, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर आप आपने नया रिटेलर आईडी लिया हुआ है एयरटेल का, आपको नहीं मालूम है, तो इस वीडियो को देख के आप पूरा यहाँ पे जान जाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करते हैं, क्योंकि एक बीसी पॉइंट आपको मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कस्टमर को उनको अच्छे तरीके से अगर आप समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, फिर आप वो अकाउंट आपसे यहाँ पे खुलवा लेंगे, फिर आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप उनको अच्छी तरीके से नहीं बताएंगे, उनको चार्जेस के बारे में नहीं बताएंगे, कल को क्या होगा कि फिर वो आपके पास आएंगे, अगर उनका पैसा कट जाता है, कुछ दिक्कत होती है या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पे सिरदर्द हो जाएगा। तो ये सारे चार्जेस आपको इसी पेमेंट बैंक के वेबसाइट में दिया हुआ है जहाँ पर आप सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी डिटेल में। बाकी अगर आप नए अभी जुड़ने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम है क्या चार्जेस हैं, तो तब भी आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का जो चार्जेस वाला सेक्शन है वो मैंने ओपन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट के बारे में बताते हैं, सर्विस, जैसे कि यहाँ पे सर्विस में अकाउंट ओपनिंग है, तो अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं है। ये दोस्तों ये पुराना अपडेट था, मगर अभी क्या है कि 100 रुपये कस्टमर का अकाउंट का पैसा यहाँ पे कटता है, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। कस्टमर को ये जरूर बताइए कि 100 रुपये जो है आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोड मनी का, यहाँ पे देखिए लोड मनी का कोई भी चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अगर आप लोड मनी करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे फ्री है। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ पे करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, मगर आपका चार्जेस मतलब कस्टमर का नहीं लगेगा। बाकी क्रेडिट कार्ड का, जो क्रेडिट कार्ड से करेगा तो क्रेडिट कार्ड का उसका अपना चार्जेस है, तो उससे यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा भी है कि चार्जेस 1% ट्रांसफर टू अमाउंट अप्लीकेबल टू लोडिंग वॉलेट वाया क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन ट्रांसफर पैटर्न मैक्सिमम, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कार्ड के ऊपर होता है, किसी कार्ड में चार्जेस के पैसे लगते हैं, ठीक है। तो आपको कस्टमर किस तरीके से बताना है। बाकी आप दोस्तों यहाँ पे जैसे पेमेंट करना है किसी मर्चेंट को करना है तो बिल्कुल फ्री है। वर्चुअल कार्ड आपको जो इसमें डेबिट कार्ड मिलता है कस्टमर को, उससे करता है पेमेंट, बिल्कुल फ्री है। बिजली बिल, DTH रिचार्ज करता है तो उस पर कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे इस एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये था, यहाँ पे अब ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट अगर ट्रांसफ़र होगा तो कोई चार्जेस नहीं है, मगर वॉलेट टू बैंक कोई भी करता है तो फुल KYC होगा, वही कर पाएगा, और यहाँ पे 3% ट्रांजेक्शन अमाउंट का चार्ज यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर आप कस्टमर को बताइए कि अगर आप वॉलेट से किसी को भेजते हैं, बैंक से भेजते नहीं, वॉलेट से अगर किसी को भेजते हैं, क्योंकि इसका एक वॉलेट भी होता है, बैंक अकाउंट अलग होता है, दो चीज़ें होती हैं, तब यहाँ पे चार्जेस जो है 3% देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, मगर यहाँ पे फ्री दिया है, मगर यहाँ पे 100 रुपये लगते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, पहले नहीं लगता था, मगर अब 100 रुपये लगते हैं, ठीक है। पहले फ्री था, फिर 50 रुपये हुआ, अब 100 रुपये यहाँ पे लगते हैं। अब दोस्तों, कैश डिपॉजिट, कैश लोड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री है अगर इससे कोई करता है। कैश डिपॉजिट, लोड, कैश बैंकिंग पॉइंट पर अगर कोई आता है तो 0 से 20,000 तक फ्री है, अगर 20,000 से ऊपर करेगा तो 0.5% डिपॉजिट अमाउंट का यहाँ पे लगेगा, मतलब 20,000 से ऊपर रहेगा तब यहाँ पे 0.5% यहाँ पे लगेगा, मतलब आधा परसेंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों कैश विड्रॉल भी अगर करता है तो 10,000 तक जो है बिल्कुल फ्री है, मगर 10,000 से ऊपर करता है तो यहाँ पे जो है विड्रॉल अमाउंट का 0.65% यहाँ पे लगेगा। ये दोस्तों 1 मार्च 2019 से ये पैसे ये जो चार्ज है वो लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्डलेस और विड्रॉल वाया IMP, ये दोस्तों ये ATM की बात हो रही है, इसमें IMP फीचर है। तो अगर आप यहाँ पे इसके थ्रू अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल्फ विड्रॉल करते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन 25 रुपये लगेगा, मगर फर्स्ट जो दो ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो फ्री होगा। मतलब आप ATM से दो ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं, उसके ऊपर आप करेंगे तब यहाँ पे 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र का यहाँ पे ऑप्शन है, तो फंड ट्रांसफ़र में अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप ही करते हैं तो ये फ्री है, मगर एयरटेल पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक करते हैं तब यहाँ पे 1% चार्ज अमाउंट आपका लगता है। मतलब कि एयरटेल टू एयरटेल करेंगे तो बिल्कुल फ्री रहेगा, एयरटेल से अदर बैंक में करेंगे तब आपको 1% यहाँ पे लगेगा, तो ये कस्टमर को आपको बताना होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक से अनदर बैंक में अगर आप नेट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मोबाइल ऐप या जो भी नेट वेट करते हैं तो उसका कुछ चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 10,000 तक आप 10 रुपये और उसके बाद 2.5 रुपये प्लस GST, अगर 10,000 एक से 10,000 तक करेंगे यहाँ पे 5 रुपये प्लस GST, तो यहाँ पे ये चार्जेस लगेंगे। तो आपको ये बताना होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, नेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये अमाउंट आपका लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आप यहाँ पे लिमिट क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैश मिनिमम कैश आप जो है डिपॉजिट या विड्रॉल 10 रुपये कर सकते हैं, और बाकी मैक्सिमम जो है कैश यहाँ पे विड्रॉल पर ट्रांजेक्शन 25,000 कर सकते हैं। मतलब एक बार ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 25,000 आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम सेविंग बैलेंस आप यहाँ पे अपने अकाउंट में 95,000 रख सकते हैं, मतलब कि 95,000 से ज़्यादा आप जमा करेंगे मगर 100 95,000 तक ही करेगा, बाकी जो जितने भी पैसे होंगे वो यहाँ पे FD बन जाएगा, तो वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो वहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ये स्वाइप फीचर्स है, मतलब कि 95,000 तक अकाउंट में रहेगा, बाकी चला जाएगा FD में, तो उसका ब्याज आपको 5% के हिसाब से जो भी है 5% 6% इसका एयरटेल का वो मिलेगा, ठीक है। वही मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस भी 95,000, मैक्सिमम मनी कैन एडेड यूजिंग डेबिट कार्ड पर डे, डेबिट कार्ड से पर डे 25,000 ही आप ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और ट्रांजेक्शन लिमिट टू अनदर एयरटेल पेमेंट बैंक में, अगर आप अनदर पेमेंट बैंक में करेंगे 95,000 तक ही कर सकते हैं, वो भी लिमिट है, उससे ज़्यादा आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन लिमिट टू अनदर नॉन एयरटेल पेमेंट, मतलब एयरटेल पेमेंट और नॉन एयरटेल पेमेंट में नेफ्ट भी करेंगे और IMPS करेंगे, दोनों ही सब कुछ मिला के आपको यहाँ पे 95,000 रुपये ही जो है लिमिट यहाँ पे है सेट, मतलब मैक्सिमम 95,000 तक ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड पर मंथ, मतलब 10,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 अमाउंट नहीं है ये 10,000 ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार आपने पैसा निकाला तो एक ट्रांजेक्शन, दो बार निकाला तो दो ट्रांजेक्शन, ऐसे मैक्सिमम आप 10,000 ट्रांजेक्शन कोई भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर है ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर कस्टमर वेयर ये जो यहाँ पे दिया हुआ 16 डेज जनरेट देन 50,000 रुपये, अगर 16 डेज से ज़्यादा 50,000 रुपये कहीं से भी आता है तो 2,000, ये दोस्तों ये अब बंद हो गया चार्जेस, ये अब नहीं लगते हैं, ये पहले था मगर अब नहीं है, तो ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मिनिमम अमाउंट फॉर फर्स्ट कैश डिपॉजिट, फर्स्ट टाइम अगर कस्टमर कोई भी आपके यहाँ अकाउंट खुलवाता है तो उसको अगर उसको कैश जमा करना है अपने अकाउंट में तो 10 रुपये नहीं यहाँ पे लगेंगे, पहले 100 रुपये, फर्स्ट टाइम 100 रुपये उसको बोलना है कि 100 रुपये जमा होगा, ठीक है, ये था। अब उसके बाद यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र IMPS इन केस ऑफ नेफ्ट, तो चार्जेस आर RBI गाइडलाइन, मतलब कि अगर आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वो RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, जैसे कि अदर्स बैंक में होते सेम इसमें भी होगा, ठीक है। अगर 49,990 रुपये से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी लेना होगा, दिखाना होगा, और आपका अकाउंट में ही अपडेट होना होगा तभी आप कर पाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखें। जो बिना पैन कार्ड के अकाउंट खोलेंगे वो मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं वो 49,990 तक ही कर सकते हैं, तो ये कस्टमर को ज़रूर बताना है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू मर्चेंट, जैसे मैंने बताया ये सब फ्री है, DTH वगैरह सब फ्री है 3%, तो ये था। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको कुछ और चार्जेस यहाँ पे IMT के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये IMT जो है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र
ये जो है आप यहाँ पे अपने एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम में आपको सुविधा मिलती है इसमें पैसे निकालने के, तो वो कुछ ट्रांजेक्शन है और कुछ लिमिट्स हैं। जैसे कि अगर आप सेल्फ विड्रॉल करेंगे तो पर ट्रांजेक्शन 10,000 ही कर पाएंगे, और आपका जितना पैसा आप पूरा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं। मगर आपको अनादर में करना है, सेंड करना है किसी को, तो मैक्सिमम 10,000 तक एक बार कर सकते हैं, वो नहीं मतलब पर ट्रांजेक्शन 10,000 कर सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक कर सकते हैं, ठीक है, 25,000 लिमिट है, और एक बार में 10,000। जैसे कि मान लो अगर आपको यहाँ पे एक बार भेजना है, तो एक बार में 25,000 नहीं जाएगा, एक बार में 10,000 जाएगा, ऐसे आपको एक बार 10,000, फिर 10,000, फिर 5,000, तो इस तरीके से टोटल 25,000 आपको भेजना होगा। तो ये यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, सेफ विड्राल में भी दिया 5,000, अगर खुद का पैसा निकालेंगे तो एक बार में आप जो है यहाँ पे 5,000 निकालें USSD के थ्रू, तो ये भी एक ऑप्शन है, तो उसके बारे में बाद बताएंगे। तो ये कुछ लिमिट है, ठीक है, और मैक्सिमम 25,000 है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे रेमिटेंस के बारे में बात करें, जैसे कि किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 1 रुपये है यहाँ पे, तो जो 1 रुपये अगर भेजेंगे तो 0 चार्जेस है यहाँ पे, तो इस तरीके से दिया हुआ है। 100 रुपये भेजेंगे तो 1 रुपये यहाँ पे 1% यहाँ पे चार्ज लगता है, ठीक है, तो ये है। और किसी को भी अगर आप पैसा यहाँ पे भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट सेंडर इज़ 25,000 रुपये पर मंथ। कोई भी आपके यहाँ से कोई पैसा भेजता है, ये उनके लिए है, मतलब आपका नहीं है, ये जो अकाउंट खोलेंगे उनके लिए नहीं, जो आपके यहाँ से कोई पैसा ट्रांसफ़र करवाएगा रिटेल आईडी से, तो पोर्टल से, देखिए ये दिया हुआ ना ऐप एंड पोर्टल से, तब वो पर मंथ 25,000 ही वो भेज सकता है किसी को, ठीक है, और उसका 1% यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो दोस्तों ये था यहाँ पे कुछ चार्जेस। अब आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो आप जो है कमेंट पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइस ये था यहाँ पे चार्जेस और कुछ कमीशंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि क्या है प्रोसेस, क्या है चार्जेस, अपना कमीशन नहीं बताना है उनको, जो चार्जेस है कस्टमर का वो बताना है, बाकी जो आपका कमीशन है वो आप अपने लिए यहाँ पर देखें कि आपको किस में कितना कमीशन यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपका एक कर्तव्य बनता है इस चैनल के लिए कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप फेसबुक में, ताकि और लोगों को भी यहाँ पे पता चल सके, वो रिटेल आईडी ले सके। बहुत लोग क्या होता है कि वो CSC सेंटर ले लेते हैं, मगर वो उसी में ही परेशान रहते हैं, उनको नहीं मालूम है APS की जो सुविधा है अदर्स कंपनी भी देती हैं, और इस वो CSC से फास्ट DigiPay जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा फास्ट यहाँ पर जो है काम होता है। तो मेरे हिसाब से उनको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अदर एक CSC के साथ साथ अदर एक यहाँ पे बिजनेस हो जाता है, कमीशन मिलता है, तो इनकम का सोर्स भी जो है ये हो जाता है, तो इसलिए उनको ये ले लेना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट में ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।